दिल्ली सीएम आवास के निर्माण में लापरवाही और आम आदमी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद एमसीडी के नेता और पार्षद सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बीजेपी के प्रदर्शन में इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दारित हो इतना बड़ा राजमहल बनवाते हैं अपने रहने के लिए, जो ये कहते थे कि हम दो कमरे के घर में रहेंगे, आज गरीब का टैक्स का पैसा वो अपने राजमहल पर ऐसो आराम पर लुटा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं ईमानदार हैं। थोड़ी शर्म नहीं आती है उनको ये कहते हुए? 2022 की अप्रैल तक जो शीश महल का जो निर्माण होना था वो हो चुका था। केजरीवाल अभी अपने घर को खाली करके निकले और ये वहां से इन्होंने कमोड्स निकाले। क्या ये सबूतों को मिटाना चाहते थे? और इसमें एक तथ्य ये भी पकड़ में आया है कि गोल्डन प्लेटेड, गोल्डन पट्टी लगी हुई जो कमोड्स के इर्द गिर्द लगी हुई थी, तो क्या एविडेंस को मिटाते हुए केजरीवाल ने कमोड्स को निकाला? जनता का टैक्स पेड जो पैसा, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो केजरीवाल की सरकार एक फेल्ड गवर्नमेंट में साबित हुई और केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ से निकाल, बाहर फेंकना है।